स पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनू गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है? सब लोग होप्स so, बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो भैया जिसका इंतजार था दट इज द रिविजन लेक्चर फॉर मे नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी लेक्चर फॉर योर एग्जामिनेशन तो सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट न्यू सिलेबस स्टूडेंट फॉर द मे नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ये रहे आपके लिए रिविजन लेक्चर सबसे पहला टॉपिक है दैट इज बेसिक एंड टैक्स रेट इस टॉपिक में कुछ चेंजेस है इस बार क्या क्या चेंजेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इस टॉपिक को पूरे को रिवाइज करेंगे तो सबसे पहली चीज ये है कि हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ क्वेश्चन ये आता है इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती है तो मैं बता दू इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम लेकिन इनकम टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए ये पावर कहां दे रखा है

कुल मिलाकर ये क्रिकेट टीम जो है उसका कैप्टन है कौन रोहित शर्मा है और इनकम टैक्स एक्ट में हर चीज दे रखी है कि भैया आपका टोटल इनकम कैसे डिटरमाइन होगा उसके साथ साथ में आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगी उसके बाद में आपका असेसमेंट प्रोसीजर कैसे होगा ये सब दे रखा है इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है फर्स्ट अप्रैल 1962 से फर्स्ट अप्रैल 1962 मींस असेसमेंट ईयर 62, 63 एंड प्रीवियस ईयर 61, 62 से ये इनकम टैक्स एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है अब एक बात समझना इनकम टैक्स रूल्स टू क्या होता है तो इनकम टैक्स रूल्स क्या करता है इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है

नोटिफिकेशन जो होते हैं किसी भी अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन लाए जाते हैं किसी चीज को नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन लाए जाते हैं अमेंडमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन लाए जाते हैं दैट इज नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन हर किसी पे पे बाइंडिंग बाइंडिंग होते हैं है, आप भी होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग होंगे दैट इज नोटिफिकेशन बट सर्कुलर क्या होते हैं इनकम टैक्स के इंटरनल पर्पज के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पज के लिए कुछ क्लेरिफिकेशन लाए जाते हैं कुछ सर्क्यूलर लाए जाते हैं ये आप पे बाइंडिंग नहीं होते ये सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसको फॉलो करेगा आपको अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप फॉलो कर सकते हो दैट इज कॉल्ड सर्क्यूलर उसके बाद में गाइस सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजमेंट क्या होता है ना हर चीज इनकम टैक्स एक्ट में लिख नहीं सकते थे तो बहुत बार क्या होता है? है, है, तो है, के के तो है तो हम बोलते हैं हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं अब एक चीज समझना सेक्शन फोर होती है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स लगता कब है पहली चीज तो मैं बता दू इनकम टैक्स एज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर हर असेसमेंट में इनकम टैक्स लगेगा ऐसा नहीं कि जिंदगी में एक

फाइनेंस एक्ट में दे रखी है तो नॉर्मली इनकम टैक्स की रेट है वो फाइनेंस एक्ट में दे रखी है एज़ वेल एज़ कुछ रेट ऐसी होती है जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है तो उस रेट से आपको इनकम टैक्स लगता है लेकिन सर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं प्रीवियस ईयर ऐसा ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो तो जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो दैट इज कॉल योर प्रीवियस ईयर और जिस ईयर में उस इनकम पे आप टैक्स भरते हो दैट इज कॉल योर असेसमेंट ईयर एग्जाम्पल के लिए आपके एग्जाम के लिए योर प्रीवियस ईयर इज अ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सो प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इनकम यू अर्न बिटवीन फर्ट अप्रैल 2023 टिल थर्टी मार्च 2024 दैट इज योर प्रीवियस ईयर Now, इसका असेसमेंट ईयर क्या रहेगा 24-25 रहेगा एंड 24 ईयर तो होता है जिस इनकम हो, होता है टैक्स भरते हो तो प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाओगे असेसमेंट ईयर में जाके उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा रिटर्न वगैरह फाइल करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर हमेशा ध्यान रखना 12 का होता है लेकिन प्रीवियस ईयर आपका ट्वेल्व मंथ से कम हो सकता है कौन से ट्वेल्व मंथ से कम हो सकता है अगर आपने कोई नया बिजनेस चालू किया है अगर आपने कोई नया बिजनेस चालू किया है या नया सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका इमर्ज हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका प्रीवियस ईयर ईयर है है वो वो प्रीवियस 12 मंथ से कम का हो सकता फॉर एन एग्जांपल आपने जो न्यू बिजनेस चालू किया वो 10 दिसंबर 2023 से चालू किया तो आपका प्रीवियस ईयर थाउजेंड दिसंबर थ्री से चालू होगा एंड थर्टी मार्च टू तक आपका प्रीवियस ईयर है वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने क्या बोला कि प्रीवियस ईयर नॉर्मली तो ट्वेल्व मंथ का होता है लेकिन यहां पर बेटा ट्वेल्व मंथ से कम का हो सकता है अगर आपने कोई नया बिजनेस चालू किया नया सोर्स ऑफ इनकम है वो अगर आया है तो उस year, उस केस में आपका प्रीवियस उस डेट से चालू होगा जिस डेट को आपका नया बिजनेस चालू हो या नया सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका मार्केट में आया उसके बाद में डेफिनेशन आती है पर्सन की कि सर किसको बोलते हैं तो मैं बता दूं यहां पे टोटल सेवन पर्सन है तो पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा सबसे पहले इंडिविजुअल अनैचुरल पर्सन एचय आएगा

आप लोग वो पर्सन आप इनकम टैक्स तो भर नहीं रहे तो आप पर्सन है बट आप नहीं है बट मैं जो हूं मैं पर्सन भी, भी हूं क्योंकि मैं टैक्स भरता हूं तो पर्सन भी हूं मैं असस्सी भी करके। अब एक चीज समझना नॉर्मली क्या होता है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो दैट इज कॉल योर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में जाके आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है असेसमेंट ईयर में जाके आपको टैक्स भरना पड़ता है बट गाइज मैं बता दू यहां पे पांच एक्सेप्शनल केसेस है देर आर फाइव एक्सेप्शनल केसेस वहां पे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो और प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाया प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना है प्रीवियस ईयर में ही आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर तक रुकने की जरूरत नहीं है ऐसा कौन कौन से केसेस में होता है तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में ही आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ये फाइव केसेस में सबसे पहला तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है आप समझिए एक नॉन रेजिडेंट है बांडिया करके ठीक है और वो बांडिया कहां से है फॉर एन एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से है तो ऑस्ट्रेलिया से वो शिप लेके आया चुक 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 वो इंडियन पोर्ट पे आया और इंडियन पोर्ट से वापस जा रहा है एक बात बताओ अपने को क्या पता वो असेसमेंट ईयर में वापस आएगा या नहीं क्योंकि पता नहीं ना वो बांडिया वापस आएगा या नहीं आएगा नॉन रेजिडेंट तो उस बांडिया को वहीं पे पकड़ लिया जाता है इंडियन पोर्ट पे मुंबई पोर्ट पे जो है उस पर पकड़ा बोला ए भाई तू यहाँ से जा रहा है जो इनकम कमाया है तूने भाड़ा वाड़ा लिया है ना उसपे जो टैक्स आता है अभी भर के जा अभी का अभी अपना रिटर्न फाइल करके जा दैट इज द सेक्शन वन नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस बेटा एक बात बताऊं ये जो सेक्शन है ये मैंडेटरी सेक्शन है जब इंडिया से बाहर कोई भी शिप जा रही है जैसे नॉन रेजिडेंट है वो शिप लेके इंडियन पोर्ट पे आया और इंडियन पोर्ट जैसे ही छोड़ के जाने वाला होता है ना उसको धाप दिया जाता है बोला इधर कहां जा रहा है करके ठीक है उसको धाप लिया जाता है और उसको बोला जाता है तू तो टैक्स भर के जाएगा दैट इज द सेक्शन वन करके उसके बाद एक सेक्शन होती है वन सेवेंटी फोर दैट इज पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली अब एक बात समझना इसमें क्या होता है एओ को लग जाता है जैसे ऊपर वाली सेक्शन है ना वो तो मैंडेटरी है लेकिन इस ये जो बाकी जितनी भी सेक्शन है ना उसमें ये लिखा होगा कि अगर एओ को ऐसा लगता है एओ को ऐसा लगता है कि कोई बंदा प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया और प्रीवियस ईयर में इंडिया से बाहर जाने वाला है और वापस आने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है करके ठीक है एकदम विजय मालिया बनने वाला है करके ठीक है तो जैसे ही विजय विजयमालया बनने वाला है तो उसको पकड़ लिया जाता है कहां जा रहा है करके तू अभी का भी टैक्स भर के जा अभी का भी रिटर्न फाइल कर तो उसको प्रीवियस ईयर में ही क्या करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा उसके बाद सेक्शन वन ए क्या बोलती है कि अगर आपने कोई एओपी बीओ आर्टिफिशियल जोरिटिकल पर्सन है वो आपने किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाया था पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया जाए और वो पर्पज आपने कंप्लीट कर दिया पर्पज आपने कंप्लीट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करोगे आप उसको डिजोल्व कर दोगे तो ऐसा हो सकता है एओ बोले कि इसका जो इनकम है उस पर टैक्स अभी भरो जैसे फॉर एन एक्जाम्पल मान लो डांडिया का फेस्टिवल था और डांडिया के फेस्टिवल में हमने क्या सोचा कि हम डांडिया बेचेंगे हम डांडिया बेचेंगे पानी की बोतल बेचेंगे मान लो वो जो डांडिया में पहनने के कपड़े आते हैं वो हम बेचेंगे हमने ये सोचा ठीक है और हमने एओपी वीआई बना लिया दस दोस्तों ने मिलकर एओपी वीआई बनाया डांडिया का फेस्टिवल कंप्लीट हुआ और उस एओपी वीआई को हमने डिजोल्व कर दिया तो असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं भरना हो सकता है असेसिंग ऑफिसर आपको बोले इधर देख इधर ये अभी का अभी टैक्स इसी साल में आप भर दो दैट इज द सेक्शन वन सेवेंटी फोर ए उसके बाद एक सेक्शन होती है 175। 175 क्या बोलता है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स जैसे मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो इंसॉल्वेंट होने वाला है तो वो इंस्टॉलमेंट होने से पहले क्या करेगा बताए तो फटाफट जो, जो प्रॉपर्टी है वो किसी ना किसी को ओने पौने दाम में बेच देगा दा, कम दाम में बेच देगा अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर देगा एंड ऑल तो अगर एओ को लग जाता है कि प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करके आगे जाके हो सकता है खुद को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर दे दिवालिया डिक्लेयर कर दे तो उसको बोल सकते कि भाई तू ऐसा मत कर और प्रीवियस ईयर में जो इनकम है उस पर प्रीवियस ईयर में ही तू टैक्स भर दे प्रीवियस ईयर में ही अपना रिटर्न फाइल कर दे एंड लास्ट सेक्शन होती है वन दैट इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस अगर मान लो आपका पहले से कोई बिजनेस चला आ रहा था और इस साल में आपने बिजनेस बंद कर दिया अगर आपने इस साल में बिजनेस बंद कर दिया बिजनेस या प्रोफेशन इस साल में बंद कर दिया और असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो असेसिंग ऑफिसर आपको बोलेगा कि जो बिजनेस आपने बंद कर दिया तो प्रीवियस ईयर में ही आप इसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए प्रीवियस ईयर में ही आप इस पर टैक्स भर दीजिए ऐसा असेसिंग ऑफिसर है वो बोल सकता है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस सो ये ऐसे केसेस है जिसमें प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाते हो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ेगा मैं प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री में इनकम कमाया वही तुम्हारा असेसमेंट ईयर 23-24 भी बन जाएगा और उसी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा टैक्स भरना पड़ेगा दैट इज द सम एक्सेप्शनल केसेस इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू में या फिर तीन चार मार्क का क्वेश्चन है वो आ सकता है करके अब बात करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद के टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल मे नवंबर टू एक्ट 2023 के आपके लिए टैक्स रेट है वो टैक्स रेट कौन सी एप्लीकेबल है एक बात बताओ टैक्स रेट दो तरह की होती है वन इज द जनरल टैक्स रेट और जनरल टैक्स रेट मीस ये स्लैब रेट एंड ऑल एंड वन इज द स्पेशल टैक्स रेट जनरल टैक्स रेट क्या होता है जैसे यहां पे जो दे रखी है ना दिस इज द जनरल टैक्स रेट लाइक अप टू लैक फिफ्टी थाउजेंडर टू लैफ्टी थाउजें टू फाइव लैक फाइव परसेंट दैट इज जनरल टैक्स रेट बट स्पेशल टैक्स रेट क्या होती है जैसे आपको पता रहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाला वन वन टू ए वाला टैक्सेबल एट द रेट टेन परसेंट इन एक्सेस ऑफ द वन लैक दैट इज द स्पेशल टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द शेयर मार्केट 15 परसेंट ट्रिपल वन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी वगैरह का 20 परसेंट विनिंग का इनकम 30 परसेंट दैट इज योर स्पेशल टैक्स रेट पहले हम बात करते हैं जनरल टैक्स रेट की ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल टैक्स रेट की अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जनरल टैक्स रेट कहां दे रखी है एंड स्पेशल टैक्स रेट कहां दे रखी है तो एक चीज ध्यान रखना जनरल टैक्स रेट होती है ना ये जनरल टैक्स रेट दे रखी होती है फिनेंस एक्ट में तो जो फाइनेंस एक्ट टू है उसमें ये जनरल टैक्स दे रखी है लेकिन स्पेशल टैक्स रेट कहां दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन में तो जो सेक्शन ट्रिपल वन ए होती है वन वन टू ए होती है वन वन टू होती है आपकी विनिंग पे थर्टी परसेंट वो सब कहां दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन में दे रखी है तो अगर कोई भी पूछे कि जनरल टैक्स रेट कहां दे रखी है जनरल टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट में दे रखी है और स्पेशल टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल टैक्स रेट की तो जनरल टैक्स रेट में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एच यूएफ एओपी बी आई आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन सो इंडिविजुअल एच यूफ एओपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इनके केस में भले ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है स्लैब रेट लगेगा मीस अप टू थाउजेंड देयर इज नो टैक्स टू लैक फिफ्टी थाउजेंड तक डैश पे डैश टू लैक फिफ्टी टू फाइव लैख परसेंट फाइव लैख टू टेन लैख ट्वेंटी मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट तो मैंने क्या बोला इंडिविजुअल एच एओपी बी आर्टिफिशियल पर्सन भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट हैर्टी परसेंट लेकिन एक चीज समझना अगर कोई सीनियर सिटीजन है यहां सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और जिसका एज प्रीवियस ईयर में सिक्सटी इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है तो अगर कोई इन रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसका एज अपने प्रीवियस ईयर में अपना प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर जो प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री है इस प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री में अगर उसका एज जो है वो 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है बट लेस देन 80 इयर्स उसको बोलेंगे सीनियर सिटीजन लेकिन एक चीज ध्यान रखना वो बंदा रेजिडेंट होना चाहिए रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए अगर नॉन रेजिडेंट का एज जो है वो सेवेंटी टू है तो भी वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो सीनियर सिटीजन होने के लिए ए बाबू सीनियर सिटीजन होने के लिए ये रेजिडेंट होना चाहिए रेजिडेंट इंडिविजुअल एज सिक्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर तो उस पर्टिकुलर केस में अप टू थ्री लैख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा थ्री लैख इज बेसिक एक्सम्स थ्री लैख टू फाइव लैख फाइव परसेंट फाइव लैख टू टेन लैख ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट अब एक चीज समझना क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर आप बोल रहे हो कि प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में फर्स्ट अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी अगर कोई ऐसा है, जो अपना कर रहा है वो सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में अपने प्रीवियस ईयर के बाद में आएगा तो अगर फर्स्ट अप्रैल 2024 को अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो भी यह माना जाएगा कि उसने 60 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर दिया है 31 मार्च 2024 को एंड गाइस इस साल में उसको हायर बेसिक एग्जामिशन 3 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना सिक्सटियथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है केक काट रहा है वो फर्स्ट अप्रैल 2024 को काट रहा है तो भी ये माना जाएगा कि उसने 60 इयर्स का एज कंप्लीट कर दिया है थर्टी मार्च 2024 को एंड ही कैन क्लेम द हायर बेसिक एग्जामेशन ऑफ द थ्री लैख नाउ नेक्स्ट पार्ट से अगर कोई इंडिविजुअल है वो सुपर सीनियर सिटीजन है सुपर सीनियर सिटीजन मीन रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 80 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर देन अप टू 5 लैख इज अ बेसिक एक्जामेशन 5 लैख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा Guys, 5 ,000 ,000 से लेकर टेन लैक ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट मीन यहां पे सीधा ट्वेंटी है यहां पे 5 वाला रेट नहीं है तो ये तुम्हारी जनरल टैक्स रेट रही अगेन मैं रिवाइज करा रहा हूं देखिए इंडिजुअल आर्टिफिशियल एफिशियल पर्सन भले रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो

अगर कोई इंडिविजुअल अपना 60th या बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है फर्स्ट ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ और प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर के लिए उसको हायर बेसिक एग्जीबिशन का बेनिफिट मिल जाएगा अब एक चीज समझना एक आता है सरचार्ज कि सरचार्ज कितना लगेगा तो आप इधर देखना मेरी तरफ सब लोग ध्यान दो सरचार्ज कितना लगेगा सरचार्ज डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम क्या आपकी टोटल इनकम कितनी है टोटल इनकम का मतलब पांचों हेड की टोटल इनकम दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स आप लेस कर दीजिए आपको मिलेगा टोटल इनकम या जिसको आप नेट टैक्सेबल इनकम बोल सकते हो इफ योर टोटल इनकम इज अप टू फिफ्टी लैक तो आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा इधर देखिए सब लोग इधर देखिए इफ योर टोटल इनकम मीन आपकी जो टोटल इनकम है नेट टैक्सेबल इनकम वो नेट टैक्सेबल इनकम अप टू फिफ्टी लैक्स है तो गाइस आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा बट सपोज इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन से ज्यादा है एंड अप टू करोड़ है तो आपको सरचार्ज लगेगा टेन परसेंट की रेट से इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन वन करोड़ एंड अप टू टेन करोड़ है तो आपको सरचार्ज लगेगा फिफ्टी सॉरी नॉट मोर देन वन करोड़ अप टू टेन करोड़ नहीं मोर देन वन करोड़ अप टू 2 करोड़ है तो आपको सरचार्ज लगेगा ट्वेंटी इनकम इज मोर देन फाइव करोड़ तो सरचार्ज लगेगा थर्टी सेवन परसेंट तो मैंने क्या बोला सरचार्ज कितना लगेगा तो सरचार्ज डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम इफ योर टोटल इनकम इज टू फिफ्टी लैक देर इज नो सरचार्ज

लेकिन बेटा एक चीज समझना कुछ चार स्पेशल इनकम होती है स्पेशल इनकम कौन सी जो शेयर मार्केट से रिलेटेड होती है एक तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए वाला जो टेन परसेंट से टैक्सेबल होता है एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए वाला जो कि फिफ्टीन परसेंट से टैक्सेबल होता है एक तुम्हारा डिविडेंड का इनकम जो कि नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है ये तो शेयर मार्केट वाली तीन चीजें हो गई वन इज द एलटीसीजी वन वन टू ए एस टी सीजी ट्रिपल वन ए

वन है, वन वन टू का ये चार स्पेशल ऐसी है भी हो उसपे मैक्म सरचार्ज है वो 15 हो सकता है उसके टैक्स पे उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं आएगा मीन 25% एंड 37% ये सरचार्ज आपका नहीं लगेगा अब एक चीज समझना अगर मान लो यहां पे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा आपको कैसे ध्यान देने का ठीक है देखिए सबसे पहले अगर आपकी टोटल इनकम टू फिफ्टी लैक है तो नहीं तो टो तो टोटल इनकम टोटल इनकम से ज्यादा लेकिन यहां पर अब देखो एंटी चीज है आपकी टोटल इनकम वो मोर देन टू करोड़ टोटल इनकम टू करोड़ से ज्यादा हो गया तो सरचार्ज कितना होना चाहिए ट्वेंटी फाइव परसेंट बट रुको यहां पर क्या लिखा है अगर आपकी टोटल इनकम है वो मोर देन टू करोड़ है एंड इट इंक्लूड द डिविडेंड कैपिटल गेन वन वन ट्रिपल वन ए वन वन टू ए और वन वन टू मीन स्पेशल इनकम है उसमें करके ठीक है स्पेशल इनकम है तो आप एक काम करो जो ये स्पेशल इनकम पे टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज लेना है बिकॉज मैक्सिमम सरचार्ज स्पेशल इनकम के टैक्स पे होगा अब आपको यह देखना है कि रिमेनिंग इनकम कितना है आपका जो रिमेनिंग इनकम इस स्पेशल इनकम को हटा दो और रिमेनिंग इनकम देखो कितना है अगर रिमेनिंग इनकम जो है वो रिमेनिंग इनकम अगर अप तो पे, पे भी आपको 15 लेना है। लेकिन जो रिमेनिंग इनकम स्पेशल इनकम को छोड़ के जो रिमेनिंग इनकम है वो इट सेल्फ इज मोर देन टू करोड़ रिमेनिंग इनकम आपका टू करोड़ से ज्यादा है तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज आपको ट्वेंटी लेना है And remaining income, अपने आप में अगर फाइव करोड़ से ज्यादा है तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर आपको इनकम फिफ्टी लैख से ज्यादा है अप टू वन करोड़ है तो टेन परसेंट सरचार्ज एड कर दो यहां तक कोई दिक्कत नहीं अगर टोटल इनकम मोर देन वन करोड़ अपटू टू करोड़ है तो आप फिफ्टीन परसेंट सरचार्ज एड कर दो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं बट बाबू अगर टोटल इनकम टू करोड़ से ज्यादा है तो तो टू करोड़ से ज्यादा है और अगर उसमें ये एल टीसीजी वन वन टू एस टी सीजी ट्रिपल वन एल एंड डिविडेंड का इनकम है तो इन इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर मैक्सिम सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट एड करो अब आप देखो रिमेनिंग इनकम कितना है रिमेनिंग इनकम अगर टू करोड़ तक ही है तो रिमेनिंग इनकम पे टैक्स आएगा उस पर भी सरचार्ज आप फिफ्टीन परसेंट ले लो बट रिमेनिंग इनकम इज मोर देन टू करोड़ अप टू फाइव करोड़ है तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज है वो आप ट्वेंटी फाइव परसेंट लो बट रिमेनिंग इनकम इट सेल्फ इज मोर देन फाइव करोड़ तो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर आपको थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज एड करना है यहां पर मैंने बहुत बड़ी बढ़िया सी टेबल दे रखी है जब आप ये टेबल देखोगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी बैठ जाएगी उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है

हम टैक्स कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए बट डोमेस्टिक कंपनी के लिए कौन से ईयर का देख रहे हैं ट्वेंटी टू का देख रहे हैं तो, तो है, ज्यादा है या उस ईयर में के तो पर्टिकुलर केस में टैक्स के रेट है वो 30 परसेंट कंपनी जो भी होती है ना उसका टैक्स रेट होता है 40 परसेंट बट एक बात बताओ कंपनी के के केस केस में भी सरचार्ज लगता है कंपनी केन करोड़ एंड इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन करोड़ अपन करोड़ तो सरचार्ज लगेगा सेवन परसेंट एंड इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन टेन करोड़ देन डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा ट्वेल्व परसेंट और वही फॉरेन कंपनी केस में टू परसेंट एंड फाइव परसेंट फॉरन कंपनी के रेट के के कम है

क्या यहां पे सरचार्ज लगता है आंसर इज़ यस यहां पे सरचार्ज लगेगा 12% परसेंट की रेट से अगर आपका टोटल इनकम वन करोड़ से ज्यादा है अब एक चीज समझना कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस के के में टैक्स रेट क्या है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना उसके केस में टैक्स रेट कैसे दे रखा है क्या देखो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम अप टू टेन थाउजेंड है तो, तो टैक्स रेट टेन परसेंट यहां कोई बेसिक एग्जेम्पन नहीं है टेन थाउजेंड से लेके ट्वेंटी थाउजेंड तक तो टोटल इनकम है तो ट्वेंटी परसेंट एंड ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा है तो थर्टी परसेंट यहां सरचार्ज कैसे लगेगा सेम एज डोमेस्टिक कंपनी इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन वन करोड़ अप टू टेन करोड़ देन सेवन परसेंट मोर देन टेन करोड़ ट्वेल्व परसेंट अब एक और चीज समझना जो भी आप टैक्स निकालते हो उसमें सरचार्ज एड करते हो उसमें फिर आपको एड करना पड़ेगा फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो मैंडेटरी है वो लगेगा ही लगेगा करके आपका इनकम कितना भी हो आपका टैक्स कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स में फोर की रेट से आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसा है लेना पड़ेगा चलिए अब एक और चीज समझना आपकी जो भी टोटल इनकम आती है ना और जो टैक्स लाइबिलिटी है, है।, है तो आप लोअर वाले में आ सिक, 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 एट, है, तो आप हायर वाले जाएंगे जैसे मान लो फिफ्टी थाउजेंड है तो आपको एट लेना है एट है तो भी एट लेना है बट मान लो एट थ्री है तो आपको एट है वो आपको लेना पड़ेगा उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ ये मार्जिनल रिलीफ कहां लगता है तो मैं बता दू मार्जिनल रिलीफ हर जगह लगेगा जहां जहां सरचार्ज लगता है तो जहां जहां सरचार्ज लगता है वहां वहां मार्जिनल रिलीफ लगता है बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि सरचार्ज की वजह से आपका जितना इनकम बढ़ाना उस इनकम से ज्यादा आपका टैक्स बढ़ जाता है

उस कंपनी का टोटल इनकम वन करोड़ वन लाख है और कंपनी का टैक्स रेट है फॉर एन एक्साम्पल थर्टी परसेंट तो वन करोड़ वन लाख पे टैक्स निकाला थर्टी लैखी अब डोमेस्टिक कंपनी है इनकम वन करोड़ वन लाख है तो यहां पे क्या आपको सरचार्ज लगेगा आंसर इज यस बिकॉज इनकम इज मोर देन करोड़ तो सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट सेवन आप इसमें सेवन परसेंट सरचार्ज को एड करते हैं तो थर्टी टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड आता है क्योंकि टैक्स प्लस सरचार्ज अब एक चीज समझना ये कंपनी बोलती है हमने गलती कर दी कि हमने इनकम वन करोड़ वन लाख कमाया अगर हमने इनकम वन करोड़ ही कमाया होता तो क्या होता एक बात बताओ अगर इनका, इनका इनकम वन करोड़ ही होता तो उसपे टैक्स कितना आता सिर्फ थर्टी लैख आता उसपे टैक्स कितना आता थर्टी लैख आता क्या कोई सरचार्ज आता क्या आंसर इज नहीं आता तो कंपनी तो बोलती है हमने गलती कर दी बहुत गलती कर दी बिकॉज हम अगर इनकम वन करोड़ ही कमाते तो हमारा टैक्स थर्टी लैख ही आता हमने वन करोड़ वन लैख कमाया हमारा टैक्स थर्टी टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड आ रहा है हमको नहीं चाहिए ये एक्सेस वाला वन लैख कंपनी बोलती है कि ये वन लैख निर्मला सीतारमन जी नरेंद्र मोदी जी आप ही रख लो हमको नहीं चाहिए तो भी हमारा थर्टी वन होता है और आप यहाँ पे थर्टी टू ले रहे हो ये तो गलत है ना क्योंकि आप यहां पे देखोगे आपकी इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने से हुआ वन लाख से हुआ और उसकी वजह से आपके टैक्स में इंक्रीमेंट कितने से हुआ टू लाख फोर्टी टू थाउजेंड एंड वन हंड्रेड से हुआ तो यहां तो टैक्स जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू इनकम तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं डोंट वरी हम आपको वन फोर्टी टू वन हंड्रेड का मार्जिनल रिलीफ दे देंगे और आपको ओनली वन लाख रुपेज जो है वो हम चार्ज करेंगे हम आपसे थर्टी वन लाख रुपए चार्ज करेंगे अब एक चीज समझना एग्जाम में आपको क्या करने का कि जब भी आपकी इनकम जैसे कंपनी के केस में लिटिल बिट मोर देन केन करोड़ है या लिटिल बिट मोर देन टेन करोड़ है इंडिविजुअल एओपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में लिटिल बिट मोर देन या तो आपका 50 लाख है या लिटिल बिट मोर देन वन करोड़ है टू करोड़ है फाइव करोड़ है जहां जहां सरचार्ज लगता है या सरचार्ज की रेट चेंज होती है तो आपको क्या करने का देखो जो भी इनकम आती है ना उस इनकम पे पहले आप टैक्स निकाल दो उस टैक्स में आपको सरचार्ज है वो पहले ऐड कर दो और सरचार्ज ऐड करने के बाद बाद में आपको एक लाइन लिखने का जो मैं यहां बता रहा हूं देखिए आपको एक लाइन लिखने का ये सरचार्ज ऐड करने के बाद बाद जो अमाउंट आता है उसके लाइन लिखने का कि अबोव अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन वन करोड़ मिस वन करोड़ ही इनकम होता तो टैक्स कितना आता वो ले लो और प्लस कर दो एन टी आई माइनस वन करोड़ के ऊपर वाला जितना इं भी इनकम है वो एज इट इज मोदी जी को दे दो निर्मला सीतारामन जी को दे दो तो जो भी आपका वन करोड़ अगर इनकम होता तो टैक्स कितना आता थर्टी लैख आता थर्टी लैख के ऊपर का इनकम कितना है वन लैख है वो एज इट इज गवर्नमेंट को दे दो थर्टी वन लैख आया और मैं बोल रहा हूं कि ये वाला अमाउंट जो है ये दूसरे थर्टी वन लैख से रेस्ट्रिक्ट करेगा इसका मतलब विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर दो यहां ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ है वो आपका मिल जाएगा और फिर आप इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेड कर दो एक बात समझना बहुत बार क्या होता है सरचार्ज की रेट चेंज होती है जैसे इंडिविजुअल एच एओपी है आर्टिफिशियल जोटिकल पर्सन में अगर वन करोड़ से ज्यादा इनकम है तो आपके सरचार्ज की रेट है वो टेन परसेंट की जगह फिफ्टीन हो जाएगी तो आप वहां पे क्या करोगे टैक्स ऑन द वन करोड़ निकालोगे प्लस एडिशनल इनकम दे जहां सरचार्ज एड करो फिर अमाउंट दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन फिफ्टी लैक वन करोड़ टू करोड़ फाइव करोड़ टेन करोड़ जो भी केस रहे करके और फिर जो उससे ऊपर थोड़ा बहुत इनकम है एज इट इज गवर्नमेंट को दे दो तो आपको मार्जिनल रिलीफ है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा फिर लास्ट में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन वो

सो so, ये रिबेट किसको मिलता है अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो कंपनी वगैरह किसी को नहीं मिलता रेजिडेंट इंडिविजुअल को और आपका टोटल इनकम फाइव लैक से ज्यादा नहीं है तो आपको हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स पेबल और ट्वेल्थ थाउजेंड फाइव हंड्रेड बेच एवर लोअर का आपको रिबेट मिल जाएगा एक और चीज समझना यहां पर फाइव लैख से अगर लिटल बिट इनकम भी ज्यादा है तो भी यहां मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता मार्जिनल रिलीफ है वो मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा यहां पे टैक्स भरना ही पड़ेगा जैसे आपकी इनकम है वो फाइव लैक होती तो तो टैक्स नहीं लगता थाउजेंड है तो आपको टैक्स आएगा फोर्टीन थाउजेंड फोर फिफ्टी सिक्स है वो आएगा यहाँ मार्जिनल रिलीफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एटी सेवन ए रिबेट में एक और चीज समझना ये जो रिबेट है ना वो किसी भी टाइप की अगर आपकी इनकम है उसके साम, उसके टैक्स के सामने मिलेगा कोई भी टाइप का इनकम हो इसका एक एक्सेप्शन एक है वन वन टू एलटीसीजी के सामने नहीं मिलता एल टीसीजी जो रहेगा उस पर जो टैक्स आएगा उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलेगा बाकी कोई भी आपका इनकम पे टैक्स है उसके सामने ये रिबेट मिल जाएगा याद क्या रखना है इंडिविजुअल होना चाहिए रेजिडेंट होना चाहिए इनकम अप टू फाइव लैक तो जो भी हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवरेज लोअर ये दोनों एक्साम्पल आप देख लीजिए अब अपन चालू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट और यहां पे अमेंडमेंट है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम स yes, पीपल तो यहां पर आपको ध्यान देना है वन वन फाइव बीएससी और यह एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। इस बार लिख के ले लो करके ठीक है क्यों आने वाला है उसके पीछे का रीजन भी अभी मैं बताऊंगा तो सेक्शन है वन वन फाइव बीएसी इस साल से पूरा अमेंड हो गया है बाई फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और यह सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना पहली चीज तो नाउ दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअुअल एच एपीब आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन सबके लिए है स्कुल मिला के जिनके लिए स्लैबरेट लगता है लास्ट ईयर तक क्या होता था दिस सेक्शन वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एच यूएफ बट नाउ दिस एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एच आर्टिफिशियल एओपीफिशिकल पर्सन ये सेक्शन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं लगती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के बाकी कोई भी एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जोरिटिकल पर्सन इंडिविजुअल एच यूएफ भले रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है अब ये सेक्शन लगेगी ये सेक्शन बोलती है कि आपको स्लैब रेट कैसे चेंज हो जाएगा स्लैब रेट में आपको थ्री लैख का बेसिक एग्जामिशन मिलेगा थ्री लैख टू सिक्स लैक है उस पर आपको फाइव परसेंट टैक्स रेट आफ्टर दैट सिक्स लैख टू नाइन लैक है उसपे टेन परसेंट नाइन लैख टू ट्वेल्व लैक है उसपे फिफ्टीन परसेंट ट्वेल्व लैक टू फिफ्टीन लैक है उसपे ट्वेंटी परसेंट एंड गायस फिफ्टीन लैख से ऊपर रहेगा उसपे थर्टी परसेंट टैक्स रेट मीन फिफ्टीन लैख तक यहां स्लैब रेट है तो टू थ्री लैख इज अ बेसिक एक्सम्सन थ्री लाख टू सिक्स लाख है फाइव परसेंट सिक्स लैख टू नाइन लाख है टेन परसेंट नाइन लाख टू ट्वेल्व लैखी लाख टू फिफ्टीन लाख ट्वेंटी परसेंट एंड मोर देन फिफ्टीन लाख इज अ थर्टी परसेंट तो ये तुम्हारा रेट रहेगा इसको आप याद कैसे रखोगे तो इधर ध्यान दे दीजिए इधर आप थ्री थ्री लैख ,00 रुपेज एड करते रहिए एंड यहां पर आप फाइव फाइव परसेंट एड करते रहिए लेकिन लास्ट में ध्यान रखना यहां पर टेन परसेंट का जंप है तो यहाँ पे थ्री लैख थ्री लैख एड करिए थ्री लैख सिक्स लैख नाइन लैख ट्वेल्व लैख्टीन लैख मोर देख एंड गाइस यहां पे जो जंप है पहला 5%, 10%, 15%, 20%, and यहाँ लास्ट वाला जो है वो थर्टी परसेंट मीन यहां टेन परसेंट का लास्ट में जंप है तो आप ऐसे याद रखिए ना कि फिफ्टीन से जो ऊपर रहेगा उस पर थर्टी परसेंट है और पहले आप फाइव फाइव परसेंट है वो आप ऐड करिए करिए ठीक है चलिए अब एक चीज समझना यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आप बोल रहे हैं स्लैब रेट ये लगेगा सर क्या ये इंडिविजुअल एच भी वाई नॉन रेजिडेंट है तो भी ये लगेगा आंसर इज यस सर अगर सीनियर सिटीजन है सुपर सीनियर सिटीजन है तो भी यही लगेगा आंसर इज यस भले वो सीनियर सिटीजन हो भले वो सुपर सीनियर सिटीजन हो तो भी आपको बेसिक एग्जाम्सन है वो ये सेक्शन में थ्री लैख का ही आएगा लेकिन सर एक बात बताइए स्पेशल रेट्स की इनकम कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा जैसे जो स्पेशल रेट्स होता है एलटीसीजी वन वन टू है टेन परसेंट वाला एस टी सीजी ट्रिपल वन है फिफ्टीन परसेंट वाला एल टी सी जी जो है वो ट्वेंटी परसेंट विनिंग है वो थर्टी परसेंट तो सर वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा गायस जो टैक्स रेट है उसी रेट से टैक्सेबल होगा मींस एल टी सीजी वन वन टू है टेन परसेंट से एस टी सीजी ट्रिपल वन है फिफ्टीन परसेंट से विनिंग का थर्टी परसेंट से एल टी सी जी है वो ट्वेंटी परसेंट से तो जो स्पेशल रेट है उसी रेट से टैक्सेबल होगा सर सर चार्ज लगेगा क्या जब टैक्स रेट ये वाला लग रहा है ये स्लैब रेट लग रहा है तो सरचार्ज लगेगा आंसर इज यस सरचार्ज वैसे ही लगेगा जैसा पहले अपन ने सीखा है कि अप टू 50 लाख का इनकम है कोई सरचार्ज नहीं 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है 10 परसेंट वन करोड़ टू टू करोड़ आपका इनकम है तो 15 परसेंट मीन आपका फिफ्टी लैख तक इनकम है कोई सरचार्ज नहीं फिफ्टी लैख से लेके वन करोड़ है टेन परसेंट वन करोड़ टू टू करोड़ है फिफ्टीन परसेंट टू करोड़ से ऊपर है फाइव करोड़ तक तो ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड फाइव करोड़ से ज्यादा है वहां थर्टी सेवन परसेंट था बाबू यहां पे थर्टी सेवन परसेंट वाला सरचार्ज का रेट हटा दिया है यहां थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज नहीं लगेगा मिस इफ योर इनकम इज मोर देन टू करोड़ ना देन मैक्सिमम सरचार्ज आपका यहाँ पे 25 परसेंट लगेगा 37 परसेंट वाला सरचार्ज नहीं लगेगा ये आपको ध्यान रखना है यहां 37 परसेंट वाला सरचार्ज है वो नहीं लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से है, वो आपका 4 परसेंट आएगा एक और चीज समझना अगर आप 115 वन सेक्शन लेते हो और इस रेट से टैक्स भरते हो तो बेटा आपको एएमटी नहीं लगेगा जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है ना वो एएमटी नहीं लगेगा एज वेल एज सर पुराना एएमटी क्रेडिट है उसका क्या करेंगे वो लैप्स हो जाएगा पुराना एएमटी क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगा क्योंकि जब एएमटी लगी नहीं रहा है तो एम क्रेडिट का क्या करोगे अचार डालोगे वो फिफ्टीन ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बट उसका कुछ भी नहीं होगा वो लैप्स हो जाएगा अब एक चीज समझना अगर मान लो आप ये सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो वन वन फाइव बी का तो आपको कुछ बलिदान देने पड़ेंगे कुछ बलिदान देने पड़ेंगे कुछ आहूतियां देनी पड़ेगी सर क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे क्या क्या आहुतियां देनी पड़ेगी तो मैं आपको क्या करता हूं हेड बाय हेड समझाता हूं एक चीज समझना सबसे पहले अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी हेड में यू नो दैट एक सेक्शन सिक्सटीन में डिडक्शन मिलता है एक तो मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक मिलता है प्रोफेशनल टैक्स का तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन सबको मिलता है वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा एक चीज समझना सर सेक्शन 16 में तो एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा बाबू वो मिलेगा भले आप 115 वन फाइव लो या 115 वन फाइव नहीं लो वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी में मिलता है वो मिलता रहेगा वो मिलेगा ये अमेंडमेंट है ध्यान देना बाबू लोगों जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और इस बार वापस दे रहे हैं मई 2024 में नवंबर 2024 में याद रखना पहले क्या था वन वन बीएससी लेते थे तो वो फिफ्टी का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता बट अब मिलेगा सिर्फ क्या नहीं मिलेगा सैलरी में एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वो नहीं मिलेगा और दूसरा प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा दूसरा आपको पता है लीव ट्रेवल कंसेशन लीव ट्रेवल कंसेशन जो घूमने जाते हैं बाय एयर गए तो इकोनॉमी क्लास का फेयर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर बाकी किसी भी मोड से गए तो रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी फेयर है जो आपका लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जामेशन मिलता है वो एग्जेम्शन नहीं मिलेगा उसके बाद जो एचआरए की एक्जाम्शन है वो एचआरए की एक्जेम्पन नहीं मिलेगी उसके बाद आपको कोई भी अलाउंसेस की एक्जेम्शन नहीं मिलेगी अलाउंसेस की एक्जशन में आपको पता रहेगा जैसे चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 हंड्रेड पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू वन हंड्रेड पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड वो सब एक्जेमशन नहीं मिलेगी लेकिन बाबू चार एग्जेपन मिलेगी मीन डी वाली चार एग्जेम्पन मिलेगी डीटीडीसी डीटीडीसी डी कैसे याद रखोगे पहले डी का मतलब होता है कि जो भी दिव्यांग एम्प्लॉय होता है ना हैंडीकैप्ट एम्प्लॉय होता है उसको पता है उसको जो ऑफिस से घर के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस या जिसको कम्यूटेशन अलाउंस बोलते हैं उस पर एग्जेपन मिलती है आपका 3200 पर मंथ का तो मैक्सिमम 3200 पर मंथ का एग्जेम्पन मिला है मिलता है वो एग्जेम्पन मिलता रहेगा ट इज कॉल्ड योर डी टी डी सी में डी का मतलब उसके बाद दूसरा टी का मतलब होता है ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस जो एम्प्लॉई ट्रेवलिंग ऑन टूर टूर पे जाते हैं तो उनको जो अलाउंस मिलता है जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं उतना डिडक्शन मिलता है वो मिलता रहेगा उसके बाद डेली अलाउंस एंड उसके बाद कन्वेंस अलाउंस तो बेटा मैं बताऊं ये ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस में क्या होता है जितना आप एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करते हो उतना एक्जेंशन मिलता है तो ये एक्सेंशन आपको मिलता रहेगा तो यहां पे एक बात बताऊं मैं आपको देखो अगर आप 115 वन का बेनिफिट लेते हो इस रेट से टैक्स भरते हो तो आपको कुछ जो है वो बलिदान देने पड़ेंगे कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे तो सबसे पहला बलिदान तो ये है कि आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है सेक्शन सिक्सटीन में वो नहीं मिलेगा लीव ट्रेवल कंसेशन एचआरए की एक्जेंशन नहीं मिलेगी किसी भी अलाउंसेस की एक्जेम्पन नहीं मिलेगी बट गाइस डी की एक्जेम्पन मिलेगी जो डीटीडीसी है डीटीडीसी की मिलेगी एक तो दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए कम्यूटेशन वाला दूसरा तुम्हारा ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस करके तीसरा तुम्हारा डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस उसका एग्जामेशन मिलेगा एक और चीज समझना बेटा आपको पता है नॉर्मल केस में आपको पता है जो आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको पर मील ऑफिस में खाना दिया जाता है तो फिफ्टी रुपीज तक का एग्जामिशन मिलता है फिफ्टी रुपीज तक का एक्जेंशन मिलता है अगर आप यह सेक्शन लेते हो तो, तो आप लिख लीजिए पे पे वो नहीं मिलेगा इफ एस एस बी एस सी सैलरी के बाद में हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में गाइस हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहता है ना उसमें यू नो दैट इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अपटू टू लैक और थर्टी थाउजेंड सो so टू और जो डिडक्शन मिलता है आपको वो नहीं मिलेगा जो अप टू लेख या थर्टी थाउजेंड का जो आपको डिडक्शन मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो इनकम रहेगा वो ऑलवेज नील रहेगा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा नील रहने वाला है उसके बाद एक और चीज समझना आपके लेटआउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा आंसर इज यस लेकिन एक चीज समझना लेटआउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में आपका नेगेटिव इनकम आया मीन लॉस आया तो उस लॉस को आप किसी और हेड से सेटअप नहीं कर सकते नॉर्मली क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं अप टू लाख रुपए वो सेट ऑफ नहीं होंगे मिस उसको आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी हेड से सेट ऑफ हो सकता है बट किसी और हेड से सेट ऑफ है वो नहीं हो सकता है करके उसके बाद में अगर मैं पीजीबीपी की बात करूं तो बेटा एक तो तुम्हारा टेन डबल जो एसीजड वालों का जो डिडक्शन मिलता है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपने इंडस्ट्री लगाई तो फर्स्ट फाइव ईयर के लिए फिफ्टी सॉरी हंड्रेड ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट दूसरे फाइव ईयर के लिए फिफ्टी ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट तीसरे फाइव ईयर के लिए फिफ्टी ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और एसीजेड री इन्वेस्टमेंट में जितना पैसा डाला विच एवर इज लोअर वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा थर्टी टू वन टू ए जो है वो आपको नहीं मिलेगा जो एडिशनल डेप्रिशिएशन है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है ना वो नहीं मिलेगी साइंटिफिक रिसर्च में आपको पता है मैंने आपको बताया था रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को आप डोनेशन देते हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए सोशल स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन देते हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा बाकी बेटा आप अगर इनहाउस रिसर्च करते हो और थर्टी का या थर्टी का डिडक्शन ले रहे हो वो आपको मिल जाएगा सिर्फ डोनेशन का डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा उसके बाद आपको थर्टी फाइव बिजनेस कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर सुगर स्लरी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन वाली याद आया उसके बाद में आपका हॉस्पिटल होटल होना चाहिए टू स्टार और वो कैटेगरी वो स्पेसिफाइड बिजनेस वो हंड्रेड परसेंट डिडक्शन नहीं मिलेंगे उसके बाद आईएफओएस में अगर मैं बात करूं ना तो माइनर की इनकम जब आप पेरेंट्स के हाथ में ऐड करते हो तो यू नो दैट पेरेंट्स को एक 1032 में 1500 पर एनम

तो एम्प्लॉयर ने जितना न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया वो जितना कंट्रीब्यूशन किया है और टेन परसेंट ऑफ सैलरी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में फोर्टीन परसेंट ऑफ सैलरी उतना डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलता है एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन तो वो एटीसीसीडी टू मिलेगा एंड एक एटीसीसी एच टू मिलेगा एटीसी क्या है कि अगर अग्निवीर जो है आपने देखा होगा अग्निवीर के बारे में आपने बहुत सुना था बीच में प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे तो अग्निवीर के लिए बेटा भले वन वन फाइव बी एस सी लग रहा है तो भी ये डिडक्शन तीन डिडक्शन मिलेंगे ATJAA, है, ये मिलेगा इसके अलावा कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना अगर इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड मीन इन सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी पुराना लॉस या अनएबजॉर्ब एप्रीशियन है तो उसको इग्नोर करना है इन सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी पुराना लॉस या है तो उसको आपको इग्नोर करना है करके ठीक है चलिए उसके बाद में बेटा यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हम 115 वन या नॉर्मल वाली कौन सी सेक्शन लेनी चाहिए एक बात बताऊं अभी मैं जो लाइन बोलने वाला हूं वो ध्यान देना इस साल से ये चेंज हुआ है कि ये जो सेक्शन है ना वन वन फाइव बी ये डिफॉल्ट सेक्शन है मतलब अगर आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो आपको ये सेक्शन लगेगी मीन आपको इसी के हिसाब से टैक्स भरना है दिस इज द डिफॉल्ट सेक्शन डिफॉल्ट क्या होता है जैसे मोबाइल में सेटिंग होता है ना डिफॉल्ट सेटिंग सो डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब डिफॉल्ट यह रहेगा तो आपको मैं बताऊं अगर कुछ नहीं करोगे तो डिफॉल्ट सेक्शन है वो ये है इस रेट से टैक्स भरना ही भरना है अब अगर आपको यह सेक्शन नहीं लेना है तो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से पहले पहले अपने रिटर्न में एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि हम इस सेक्शन से ऑप्ट आउट कर रहे हैं अगर आप इस सेक्शन से ऑप्ट आउट करोगे तो फिर आपको नॉर्मल वाली टैक्स रेट लगेगी बट अदरवाइज गाइस दिस ईयर से इस साल से यह आपके लिए डिफॉल्ट टैक्सेशन रिज्यूम है मतलब यह तो आपको लगेगा ही लगेगा अगर ये नहीं लेना है तो फिर आपको इससे बाहर जाना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको एओ को बताना पड़ेगा अपने रिटर्न में बताना पड़ेगा कि हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं 115 BAC से तब आप नॉर्मल प्रोविजन में चले जाओगे अब एक चीज समझना यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि अगर आपको वन वन नहीं लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपका पीजीबीपी का इनकम नहीं है तो एवरी ईयर आपके पास ऑप्शन है हर साल आपके पास ऑप्शन है हर साल आपके पास ऑप्शन है क्या हमको 115 BAC लेना है या नहीं लेना अगर कुछ नहीं बोलोगे तो 115 वन वन ऑप्ट आउट किया तो नॉर्मल वाले प्रोविजन के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा लेकिन एक चीज समझना अगर आपका बिजनेस का इनकम है पीजीबीपी का इनकम है तो आपको क्या करना है इस साल में पीजीबीपी का इनकम है आपको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाना है तो आप इस सेक्शन से ऑप्ट आउट करो आप वन वन फाइव बी एस सी से ऑप्ट आउट बी एस सी बाहर आओ उसका फॉर्म भर दोगे हम नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करेंगे अब क्वेश्चन आता है नॉर्मल प्रोविजन एक बार फॉलो कर दिया और अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो हर साल आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करोगे लेकिन अगर आगे जाके किसी साल बी एस सी ले लिया आपने वन वन फाइव बीएससी ऑप्ट इन कर लिया ऑप्ट इन कर लिया मिस वन वन फाइव बीएससी लिया तो अगर आपने एक बार वन वन फाइव बीएससी ले लिया तो फिर वापस आप वन वन फाइव बीएससी से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है

जब तक कि आपका पीजीबीपी का इनकम है अब एक और चीज समझना यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि सर एक बात बताओ एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया और कुछ भी नहीं बोला तो हमको टैक्स कौन सी रेट से निकालना है मैं बताऊं कुछ भी नहीं बोला तो आपको टैक्स वन वन के हिसाब से निकालना है बिकॉज दिस इज द डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजम लेकिन अगर एग्जामिनर ने यह बोला है कि एसएससी ऑप्टेड आउट फ्रॉम 115 वन तो फिर आप नॉर्मल रेट के हिसाब से जो नॉर्मल स्लैब था उसके हिसाब से टैक्स निकालोगे अगर मान लो एग्जामिनर ने ये पूछा है कि आप बेस्ट पॉसिबल टैक्स प्लानिंग बताइए कैसे को क्या करना है तो आप क्या करोगे दोनों के हिसाब से टैक्स निकालोगे एक बार निकालोगे डिफॉल्ट टैक्सेशन ऑफ द और एक आउट आउट नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालोगे और जिसमें से जो बेनिफिशियल रहेगा वो एस को आप सजेस्ट करोगे एक और चीज बता दो यहां पर एक और अमेंडमेंट यह है दैट इज सेक्शन एटी ए का रिबेट और 87 ए का रिबेट जो है ना वो अगर आपका तो का अपू फाइव दिया है अपन ने क्या बोला था कि 115, अग BAC अगर आप नहीं लेते हो, तो तो आपको का रिबेट ये मिलेगा। और 87 का रिबेट क्या बोलता था? Resident individual, आपका income 5 है, तो 12,500 हंड्रेड परसेंट ऑफ इज लोअर का आपको रिबेट मिलेगा लेकिन गाइस यहां पे इन्होंने चेंज कर दिया और अब बोला कि अगर मान लो आप जो है आप जो है 115 BAC डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम के हिसाब से टैक्स भरते हो तो बेटा ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगा अगर आपका इनकम अप टू सेवन लैक है तो फाइव लैख की जगह यहां सेवन हो गया एंड रिबेट का अमाउंट है वो हंड्रेड परोअर मीस या ट्वेल्व थाउजेंड फाइव की जगह ट्वेंटी मेंस में आपका इनकम टू सेवन लैक है रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो आपका टैक्स पेबल और इज लोअर है उतना रिबेट मिलेगा तो मार्केट में बोलते हैं सात लाख तक इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता ड्यू टू दिस पर्टिकुलर केस लेकिन यहां पर एक चीज समझना अगर आपका इनकम सेवन लैस से लिटिल बिट ज्यादा है तो यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा रिबेट में भी मीन यहां रिबेट के केस में मार्जिनल रिलीफ है वो मिलेगा जैसे आपका इनकम जो है वो सेवन लैख वन थाउजेंड है तो क्या ये रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है लेकिन वो सिर्फ यहां पे किया है जो नॉर्मल वाला जो था जहां पे 12,500 और 5 लाख वाला था वहां पे मार्जिनल रिलीफ का कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया बट यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 7 लाख है करके ठीक है और उसकी वजह से टैक्स बढ़ रहा है तो यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो लगेगा आप यहां पर इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा अब ये तो बात हो गई आपकी जनरल टैक्स रेट की अब अपन बात करते हैं स्पेशल टैक्स रेट एक तो बीबी जो भी आपकी विनिंग की इनकम रहेगी लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स हॉर्स रेस एंड ऑल करके ठीक है कार्ड गेम वगैरह तो उस पर थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगता है अब एक बात समझना जो आपकी ऑनलाइन गेम्स की विनिंग है

ये स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने आपको कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता मीन ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होगी इसके सामने कोई डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है वो नहीं मिलता एज वेल एज इसके सामने कोई भी बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट नहीं मिलता बेसिक जो होती है उसका बेनिफिट आपको ये स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने विनिंग वगैरह के सामने नहीं मिलता लेकिन दो तीन इनकम के सामने मिलता है जैसे एल टी सी जी वन वन टू ए है एस टी सीजी ट्रिपल वन ए है या एल टीसीजी आपका वन वन टू वाला है जो मैं कैपिटल गेन में बताऊंगा वहां आप बेसिक एक्जामिशन का बेनिफिट रेजिडेंट इंडिविजुअुअल एचुअप ले सकता है लेकिन सर एक बात बताओ ये डीम्ड इनकम की जब आप बात कर रहे हो सेक्शन सिक्सटी एट क्या है सेक्शन 68 से लेके सेक्शन सिक्सटीन डी सबसे पहले सेक्शन सेक्शन 68 दैट इज कैश कैश क्रेडिट क्रेडिट ये ये बोलती है कि मान लो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ पैसा क्रेडिट हुआ कुछ क्रेडिट हुआ आपसे पूछा ये पैसा कहां से आया आप उसका एक्सप्लेनेशन ही दे दे पा रहे हो आप जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो या फिर आप कुछ भी बोल रहे हो कि भगवान जी सपने में आए थे उन्होंने बोला था मैं तुमको पांच करोड़ भेज दूंगा तो शायद ये तो भगवान जी ने ही भेजा होगा इनकम टैक्स वाले बोलते हैं चुप फटाफट इसमें से 78 परसेंट है वो हमको टैक्स दे दो करके ठीक है तो 78 परसेंट तो टैक्स लेते हैं और सीए फाइनल में मैं पढ़ाऊंगा उस पर आपको 10 परसेंट पेनल्टी और लगती है ठीक है तो कुल मिला के एक बात बताओ टैक्स कैश क्रेडिट क्या होता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया और आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सैटिस्फेक्ट्री नहीं है तो वो आपका इनकम माना जाएगा इस सेक्शन में और बेटा उस पर सेवेंटी टैक्स लगेगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपने किसी से लोन लिया या बोरोइंग किया मैंने मैंने मान मान लो लो किसी से लोन लिया मैंने लो अपना एक बंदा है जिसका नाम है फैजान भाई फैजान भाई से मैंने मैंने लोन लिया और मैंने बोला मेरे को पूछा ये पैसा कहां से लाया मैंने बोला फैजान भाई से लोन लिया फैजान भाई को इनकम टैक्स ऑफिसर ने बुलाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोला इधर आ फैजान बोला ये पैसा कहां से लाया था तूने कहां से कमाया था बोला पता नहीं कहां से आया था करके ठीक है वो उसका एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहा है अगर फैजान भाई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे तो यह माना जाएगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन सेटिसफेक्ट्री नहीं है और मेरे हाथ में यह सेक्शन लग जाएगी और मुझे इस पर टैक्स भरना पड़ेगा 78 परसेंट तो आप अगर किसी से लोन या बोरोइंग लेते हो और उस बंदे का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो भी यह माना जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और बेटा आपको सेवेंटी टैक्स लग जाएगा एक और चीज समझना अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी है उसने मान लो शेयर इशू किए शेयर इश्य किए उसने शेयर का एप्लीकेशन मनी मिला या शेयर कैपिटल का पैसा मिला और आगे वाला बंदा जो है जिसने शेयर खरीदा है उसका एक्सप्लेनेशन सेटिसफैक्ट्री नहीं है कि उसने वो पैसा कहां से लाया था तो ये माना जाएगा उस कंपनी का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और कंपनी के हाथ में वो इनकम माना जाएगा और बेटा टैक्सेबल हो जाएगा सेवेंटी से नेक्स्ट सेक्शन सिक्सटी नाइन दैट इज द अन इन्वेस्टमेंट एक बात बताओ आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया जैसे मान लो किसी कंपनी के आपने शेयर खरीदे

जैसे मान लो आज की डेट में गोल्ड की रेट है वो गोल्ड की रेट है वन के का सिक्सटी लैख अब मैंने गोल्ड खरीदा वन के और मैं बोलता तो हूं मैंने तो ट्वेंटी लाख में खरीदा है अरे कैसे ट्वेंटी लाख में मैं खरीद लूंगा सिक्सटी तो मार्केट प्राइस है मैंने बुक्स में रिकॉर्ड किया है, सिर्फ ट्वेंटी लाख पे मैंने बोला वन, कर, वन केजी गोल्ड खरीदा है तो, ये तो गलत है तो डिफरेंस कितना है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है सिक्सटी लैक माइनस मैंने बोला ट्वेंटी लैख में तो डिफरेंस इज फोर्टी लैक ये फोर्टी लैख मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट सेवेंटी सेक्शन सिक्सटी सी क्या बोलता है अन एक्सपेंडिचर अगर मान लो आपने खर्चा किया आपने शादी की और शादी में मान लो आपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी बड़े क्रूज पे सेलिब्रेट की वहां पे दो करोड़ रुपया खर्चा किया इनकम टैक्स वालों ने देख लिया का, ओ भाई साहब दो दो करोड़ रुपए पार्टी में उड़ा रहे हो कहां से लाए थे पैसा आपसे पूछा कहां से लाए थे बोला भगवान ने दिया था, बोला भगवान भगवान ने 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 दिया दिया था था प्रभु करके ठीक है बोले अच्छा अभी मैं दिलाता हूं रुको तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपने कोई खर्चा किया और आपका सोर्स बताना पड़ेगा वो पैसा कहां से लाया था अगर आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है तो सेवेंटी उस पर टैक्स लग जाएगा और सेक्शन सिक्सटी क्या बोलती है कि अगर मान लो हंडी पे मतलब प्रोमिजरी नोट के बेसिस पे आप कैश में अगर लोन लेते हो या उसका कैश में लोन का रीपेमेंट करते हो किस पे करते हो हुंडी पे हुंडी का मतलब होता है प्रोमिसरी नोट तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपने कैश में लोन लिया या कैश में रीपे किया हुंडी लोन तो बेटा ये सेक्शन लग जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा सेवेंटी एट परसेंट अब नेक्स्ट सेक्शन आती है एग्रीकल्चर इनकम अब एक बात समझना एग्रीकल्चर इनकम पहले टॉपिक नंबर थर्ड में था बट न्यू सिलेबस में उन्होंने क्या किया उसको टॉपिक नंबर वन में ही डाल दिया एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है तो एग्रीकल्चर इनकम अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है और एग्रीकल्चर इनकम है तो वो पूरी एक्जेमट है लेकिन सर एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं या तो आपका एग्रीकल्चर लैंड है उसको किसी ने को भाड़े पे दे दिया आपने किसी को लेट आउट किया है रेंट पे दिया है एग्रीकल्चर लैंड को और आगे वाला पर्सन उस पर खेती कर रहा है किसानी कर रहा है करके ठीक है ऐसा नहीं कि आगे वाला उस पर मूवी शूटिंग कर रहा है शाहरुख खान काजल के पीछे दौड़ रहा है और बोला तुझे देखा तो ये जाना सनम बोला ऐसा नहीं बाबू तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है मैंने मेरी लैंड किसी को भाड़े पे दी और आगे वाला बंदा है वो उस पर खेती कर रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है तो जो भी इनकम मुझे होगी वो एग्रीकल्चर इनकम है या फिर मान लो मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया मीन पोटेटो वगैरह लगाया और वो पोटेटो को मैंने मार्केट में फिर सेल कर दिया मैंने पोटेटो उगाया पोटेटो को मार्केट में सेल कर दिया तो वो एग्रीकल्चर इनकम है आपने मान लो चावल उगाए आपने मान लो गेहूं उगाए आपने और कोई भी फूड ग्रेन उगाया और उसको मार्केट में बेच दिया तो वो एग्रीकल्चर इनकम है एक्जेम्ट है या फिर मान लो आपका कोई ड्वेलिंग यूनिट या कोई फार्म हाउस है फार्म हाउस को किसी को भाड़े पे दिया बट फार्म हाउस को भाड़े पे दिया सलमान खान को पार्टी करने के लिए नहीं फार्म हाउस को भाड़े पे दिया किसी किसान को अपना जो फूडग्रेन है उसको स्टोर करने के लिए या जो वर्कर वगैरह जो है उनको रहने के लिए आपने उसको भाड़े पे दिया तो जो भी भाड़े का इनकम रहेगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम है एक्जेम्ट हो जाएगा एज वेल एज द नर्सरी का इनकम नर्सरी का इनकम मतलब आप पौधे है वो पौधे उगाते हो और पौधे उगाने के बाद फिर साइकिल पे ले जाके पौधे बेचते हो कि भाई चंपा ले लो चमेली ले लो करके ठीक है गेंदा का फूल ले लो अगर मान लो आम का पौधा ले लो अगर आप पौधे बेचते हो दैट इज द नर्सरी का इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा अब एक चीज समझना अगर मान लो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है उसको सेल कर रहे हो तो एग्रीकल्चर इनकम होगा सीधी सी बात है अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो किया है खुद ने पोटेटो उगाया और पोटेटो बेच दिया एग्रीकल्चर इनकम अगर आपने रॉ फॉर्म में बेच दिया तो पूरा ही एग्रीकल्चर इनकम लेकिन अगर मान लो आप क्या करते हो उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फर्दर प्रोसेस करते हो मीन आप क्या करते हो कि मान लो पोटेटो है वो पोटेटो से चिप्स बनाते हो और चिप्स बना के आप बेच रहे हो अगर पोटेटो से आप चिप्स बना के बेच रहे हो तो एक बात बताओ चिप्स बना के तो ये तो तो ये बिजनेस कर रहे हो तो से चिप्स बना के बेच रहे हो तो क्या आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा आंसर इज इस नो इसमें पार्टली एग्रीकल्चर होगा पार्टली बिजनेस बिजनेस होगा 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 अब कितना हो कितना एग्रीकल्चर वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं समझने की कोशिश करना अगर आप क्या करते हो सेल करते हो आफ्टर फर्दर प्रोसेस और वो प्रोसेस ऑप्शनल है पोटेटो से चिप्स बनाना जरूरी नहीं है अगर ये ठीक है पोटेटो बिकता है मार्केट में या फिर सुगर कैन बिकता है आप सुगर कैन से सुगर बना के फिर बेच रहे हो तो तो एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा कि अगर उस पोटेटो को आप मार्केट में बेचते तो कितनी फेयर मार्केट वैल्यू आती आप फर्दर प्रोसेस ना करते और पोटेटो को उसी स्टेज पे अगर मार्केट में बेच देते तो कितना पैसा आता तो एफ एम वी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फर्दर प्रोसेस माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लेस कर दो ये एग्रीकल्चर इनकम है और बिजनेस का इनकम कितना होगा जो फाइनल प्रोडक्ट आपने चिप्स बेचा या सुगर बेचा उससे कितना पैसा आया माइनस एफ एम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने कितना यूज किया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप ही ने ग्रो किया था वो कितना इस सुगर बनाने में या फिर आपका चिप्स बनाने में यूज किया था उसका एफ एम लेस कर दो मीनस यहां पे जो एफ एम है मोस्टली वो लेस कर दो और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लेस कर दो जो बचेगा वो पीजीबीपी का इनकम होगा लेकिन गाइस एक बात बताओ अगर आप ग्रोइंग एंड मैनुफेक्चरिंग ऑफ टी कॉफी रबड़ में हो अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टी कॉफी में हो तो वहां पे स्पेसिफिक परसेंटेज दे रखे हैं कि इतना बिजनेस होगा इतना एग्रीकल्चर होगा सबसे पहला अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में हो चाय टी में तो यहां पे 40 60 करना है अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर में हो और रबर में क्या कर रहे हो दो ही एक्टिविटी कर रहे हो रबर को सॉरी uh, पहले कॉफी की बात कर लेते हैं ठीक है थीके? तो देखो सबसे पहले चाय ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में हो तो फोर्टी सिक्सटी करने का ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में हो और कॉफी में सिर्फ क्योर एंड क्योर एंड ग्रो करके बेच देते हो ग्रो क्योर करके बेच देते हो तो ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव करके अगर मान लो कॉफी में ग्रो क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड अगर चार एक्टिविटी करते हो तो फोर्टी सिक्सटी एंड गाइस अगर मान लो आप रबर में हो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर तो थर्टी फाइव सिक्सटी फाइव अब हमेशा ध्यान रखना यहां परसेंटेज तो याद हो जाता है लेकिन ज्यादा परसेंटेज किसका है कम परसेंटेज किसका है तो ध्यान रखना इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर का है और कम परसेंटेज है वो आपके बिजनेस का है तो जहां 60 40 होगा तो 60 परसेंट एग्रीकल्चर 40 परसेंट बिजनेस जहां 75 25 ट्वेंटी होगा तो 75 परसेंट है वो आपका किसके लिए है एग्रीकल्चर के लिए है 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 25 है वो आपके बिजनेस के लिए है, तो ज्यादा परसेंटेज है वो हमेशा ध्यान रखना एग्रीकल्चर है कम वाला बिजनेस के लिए है एक और चीज समझना एक कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल इंटीग्रेशन पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है कि एग्रीकल्चर इनकम ऐसे तो एग्जेम होती है लेकिन बेटा टैक्स कैलकुलेट करते टाइम कभी कभी एग्रीकल्चर इनकम को एड करना पड़ता है एग्रीकल्चर इनकम ऐसे तो है क्योंकि वो इनकम में ही नहीं आएगा जीटीआई में ही नहीं आएगा लेकिन बेटा टैक्स कैलकुलेट करते कभी -कभी को इंक्लूड करना है कब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो पहला एस आर्टिफिशियल इंडिविजुअल पर्सन हुई रेट वाला है नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मीन अदर इनकम है वो आपकी बेसिक एक्जन से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा है पहले आप क्या करिए जो आपकी टोटल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर इनकम को एड करके और उस पर टैक्स निकालिए और फिर बेसिक एक्जन जो होती है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड या डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में थ्री लाख बेसिक एक्सम्शन तो बेसिक एक्सम्शन और नेट एग्रीकल्चर इनकम को एड करके उस पर जो टैक्स आता है वो पहले वाले टैक्स में से दूसरा वाला टैक्स लेस कर दीजिए और फिर आप एड कर दीजिए सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से तो आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा तो देखो ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कब लगेगा जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए एस कौन होना चाहिए इंडिविजुअल एच एओपी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपका फाइव से ज्यादा है नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आपका बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा है तो आप एक काम करिए पहले आपकी टोटल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और दूसरा क्या करिए कर आप कर आपको बेटा नेट टैक्स आ जाएगा सो गाइज दिस इज कंप्लीशन ऑफ टॉपिक नंबर वन दैट इज बेसिक एंड टैक्स रेट करके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था इस टॉपिक से एग्जाम में अच्छा खासा कवरेज होने वाला है और वन वन फाइव बी एस सी तो आपका डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम है, तो इस पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा करके ठीक है so, सो ये आपका पहला रिविजन था टोटल आपके सिलेबस में कितने टॉपिक है थर्टीन टॉपिक है तो मैं आपको थर्टीन रिविजन लेक्चर है वो देने वाला हूं सर कब तक हो जाएंगे आई विल ट्राई टू कंप्लीट विद इन द दन मंथ करके मैं वन मंथ का टारगेट लेके चल रहा हूं कि one और हूँ हाफ मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा और जब तक नए रिविजन लेक्चर नहीं आते तब तक आप पुराने रिविजन लेक्चर लास्ट ईयर वाले है उसको आप रेफर कर सकते हैं नए वाले में अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट कवर होंगे करके ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है बट मैं बता दू जो लोग एग्जाम दे रहे हैं बाबू एक चीज तो है इस दुनिया में पढ़ना तो पड़ेगा बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता यू हैव टू स्टडी हार्ड बिकॉज हार्डवर्क बड़ा जरूरी है मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े टैलेंटेड थे पहले बट वो फेल हो गए बट ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो टैलेंटेड नहीं थे बट हार्डवर्किंग थे और वो पास हो गए एक चीज आप ध्यान दो अपने आप से पूछना क्या आप अगर लो इस में क्लियर नहीं हुए नवंबर 2023 में तो कहीं ना कहीं पे आपने अपना 100 परसेंट नहीं दिया था तो आप उसको एनालाइज करिए उसको इंप्रूव करिए और इस बार 100 परसेंट देने की कोशिश करिए बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं गिव योर हंड्रेड परसेंट आई विल गिव यू 50 परसेंट एंड वी नीड ओनली 50 परसेंट टू क्रैक द एग्जाम एंड मैं बता दूं नए सिलेबस में एक दो एग्जाम जो रहेंगे फर्स्ट और सेकेंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा आपको पास करना चाहती है बस आप पास होना चाहते हैं या नहीं वो आप डिसाइड कर लीजिए करके ठीक है सो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन मैंने ये रिविजन लेक्चर यहां डाला है आपको कम से कम दस बार इसको रिवाइज करना है दस बार आप इसको सुनोगे लेकिन आपको कब सुनना है जब आप ऐसे ही कहीं टाइम पास कर रहे हो खाना खा रहे हो मेरे को लगा लीजिए मेरी आवाज जो है वो इतनी लाइक like, करकश वाली तो नहीं है करके ठीक है तो आपको इतनी लाइक uh, स्मूथिंग like लगेगी आवाज तो उसको सुनिए रिवाइज करिए जिससे कि कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बार बार आते रहे बिकॉज रिविजन इज अ मस्ट और आपको एटलीस्ट तीन चार बार है वो रिवाइज करना है और उसके बाद में आपको एग्जाम के लिए जाना है थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स एन अफ फोर टूडे फ्रॉम माई साइड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर